साउथ कोरिया के जेजो आइलैंड में 5 साल की हेजी अपनी दादी के साथ रहती है। हेजी की दादी एक गोताखोर है जो घोंगा, समुद्री घास और दूसरे जीवों की उपज करते हैं। यही उनकी आजीविका है। हेजी के पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई है। दादी ही उसकी देखभाल करती है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन हेजी ने पूछा, दादी कौन बड़ा है, समुद्र या आसमान? समुद्र, दादी ने कहा, लेकिन हेजी को समझ नहीं आया क्यों। अब हेजी और उसकी दादी एक जनरल स्टोर में है। हेजी ने एक क्रियॉन कलर बॉक्स उठा लिया। दादी बोली, ये तुम्हें मैं बाद में खरीदूंगी, क्योंकि उनकी आय बहुत ही सामान्य है। लेकिन अपनी पोती की जिद के आगे उसकी एक ना चली। एक ईल मछली के बदले उसने हेजी को वो कलर बॉक्स दिलवा दिया। पत्थरों, दीवारों, गमलों, जिस तरफ नजर जाए बस हेजी के ड्राइंग्स बने हैं। यहाँ रात में हेजी दादी की ड्राइंग बना रही है और बस बालों में सुनहरा रंग भरना बाकी है। तभी दादी ने उसे जल्दी सो जाने को कहा, क्योंकि कल उन्हें एक शादी में दूर कहीं जाना है। हेजी ने वो सुनहरा रंग अपने छोटे से पर्स में रख लिया। अगली सुबह दादी और हेजी बाजार के लिए निकले। दादी हेजी के लिए सेल से कपड़े, क्लिप्स, ब्रेसलेट ले रही है। दादी कुछ और भी लेने आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद मुड़कर देखा तो हेजी वहाँ नहीं है। लोगों की भीड़ में वो हेजी को आवाज़ें देने लगी, हेजी, हेजी। मगर उस भीड़ में उसकी आवाज़ खोने लगी। इस हादसे को 12 साल गुजर गए। अब यहाँ एक कॉस्मेटिक स्टोर में एक लड़की चुपके से मेकअप चुराकर कोट के पॉकेट में रख रही है। एक दो चीज़ें भरने के बाद उसने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई, जो वही गुम हो गई बच्ची हेजी है। बाहर आकर उसने पूछा, आज क्या चुराया तुमने? दोनों को देखकर हाई स्कूल स्टूडेंट मालूम पड़ती है। जिस रूम में दोनों रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई है। खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। तभी तो लड़के वहाँ आए और उन्हें डिनर पर ले गए। वो दोनों लड़के भी हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, जो अमीर लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे मांगते हैं और इस काम के लिए हेजी और उसकी दोस्त का यूज़ करते हैं। ना चाहते हुए भी पैसे के लिए उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है। इस बार एक वैश्या बनने का नाटक करना है, लेकिन हेजी की दोस्त ने कहा, मुझे डर लगता है। जब वो लड़का उस पर प्रेशर देने लगा तब हेजी ये काम करने को तैयार हो गई। अब हेजी एक आदमी के साथ किसी होटल में है। उसने रूम नंबर उन लड़कों को मैसेज किया और चालाकी से दरवाजे का लॉक भी खोल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों लड़के अंदर घुसे। आदमी की पिक्चर्स और वीडियोस बना ली गई और उसे ब्लैकमेल करने लगे, नहीं तो वो ये वीडियो उसकी वाइफ को भेज देंगे। हाथापाई में उस आदमी के सर पर गहरी चोट लग गई और वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस के डर से चारों अपना सामान लेकर अलग अलग रास्ते हो गए और कुछ समय तक के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। यहाँ सीढ़ी में बैठी हेजी सोच रही है, अब आगे कहाँ जाए वो, क्या करे। तभी उसकी दोस्त स्नैक्स लेकर आई। स्नैक्स खाते हुए उसकी दोस्त ने हेजी को कहा, देखो इस जूस के बॉटल में एक लापता बच्ची की फ़ोटो है जिसका नाम तुमसे मिलता है। हेजी ने देखा, उसमें उसकी ही छोटे की फ़ोटो है। अब यहाँ दिखाता है हेजी की और बूढ़ी हो चुकी दादी, जिनके बालों का रंग सुनहरे से अब सफ़ेद हो चला है। दादी के घर बार बार एक प्रॉपर्टी डीलर आता है, जो उन्हें ये घर बेचने को कहता है, जिसके वो उन्हें अच्छे दाम देगा। वैसे भी ये घर अब पुराना और कमज़ोर हो गया है। वो उसे बेचकर अच्छी जगह घर लेकर आराम की ज़िंदगी जी सकती है। पर दादी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। कल उसकी पोती के वापस लौटकर आने का क्या ठिकाना रहेगा। रोज़ाना का काम, दादी गोता लगाकर बैठी है। तभी दादी के साथ काम करता सियोक ने कहा, हेजी के वापस आए इतने साल हो गए हैं, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। तभी उसे एक फ़ोन कॉल आया और उसने कहा, मिसेस होंग, आपकी दुआ सुन ली गई, हेजी मिल गई। दादी संग सियोक एडवर्टाइजमेंट ऑफिस पहुँचे। हेजी उनके रिलेटिव है या नहीं, इसके लिए दादी को DNA टेस्ट का एक फॉर्म भरने को दिया गया और पूछा, क्या हेजी की माँ का नाम सोही है? दादी ने हाँ कहा। हेजी की माँ ने उसे कहीं से उठाया था और उसके बाद ही अपनी फैमिली में उसका नाम रजिस्टर कर दिया। लेकिन हेजी की माँ एक कार एक्सीडेंट में चल बसी और उसके स्टेप डैड ने हेजी की कस्टडी लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वो अनाथ आश्रम में चली गई। सारी कार्यवाही पूरी करने के बाद अब वो पल आया जब दादी ने
12 साल पहले गुम हुई अपनी पोती को देखा। कितनी बड़ी हो चुकी है वो। उन नन्ही सी कलाई में उसने अपने पसंद की जो ब्रेसलेट पहनी थी, आज भी उसकी कलाई में वही ब्रेसलेट है। रोते हुए दादी ने कहा, ये तुम्हारे पास अभी भी है, तुमने मेरी तलाश क्यों नहीं की? माँ ने कहा था कि आप मर चुकी हो। मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो, अब सब ठीक है, चलो घर चलो। हेजी के वापस घर लौट आने की खुशी में पार्टी रखी गई। हर तरफ तैयारी चल रही है, कहीं पे सजावट हो रही है तो कहीं खाने की तैयारी। अंधेरी दादी की दुनिया में तो मानो रोशनी बिखर गई हो। उसके लिए अपने हाथों से खास पकवान बना रही है। हेजी को एक काम करने नहीं दे रही। हेजी कमरे में आ गई और अपने बचपन के बनाए ड्राइंग्स देख रही है। फिर वो पर्स से वही सुनहरा रंग निकाल कर क्रेयॉन बॉक्स में वापस रखती है। रात हो गई, खाना पीना शुरू हुआ। पता नहीं कितने समय बाद हेजी को घर का खाना नसीब हुआ है। अगले दिन दादी उसे लेकर बाजार गई, उसे नए कपड़े दिलवाने, उसके लिए नए गद्दे लेने, ताकि उसे रहने में कोई तकलीफ ना हो। बचपन में छोटी हेजी को जैसे वो सामान खरीद देती थी, आज भी वैसे ही सब कुछ खुद की पसंद से खरीद रही है। पर अब हेजी बड़ी हो गई है, अब वो बच्चों के जैसे हेयर बैंड्स और क्लिप्स नहीं लगाती। पर दादी को खुश देख वो मना नहीं कर पाई। स्कूल के लिए नई ड्रेस भी खरीदी उसे। शॉपिंग के बाद हेजी अकेले टहलते हुए सिगरेट पी रही है। पास ही फ़ोन बूथ से अपनी दोस्त को फ़ोन लगाया। पता चला कि वो आदमी मरा नहीं था, लेकिन मोटेल के ओनर उनसे पैसे की डिमांड कर रहा है, नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। इधर दोनों लड़के हेजी पे ही सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसके लिए वापस आना खतरा है। अगले दिन से उसकी स्कूल शुरू हो गई। उसी के टाउन से एक लड़का है जो उसी के क्लास में पढ़ता है। उसने भी हेजी के बारे में सुन रखा है। स्कूल के बाद उसकी पेंटिंग क्लास है। पहला दिन है, टीचर ने स्टूडेंट्स को अपने मन से कुछ बनाने को कहा, लेकिन काफ़ी देर से हेजी का कैनवस खाली पड़ा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बनाए। जब टीचर ने उसे टोका तो उसने क्लास से बाहर निकल जाने की बात कही। टीचर ने कहा, तुम्हें जितना समय लेना है ले लो, लेकिन जब तक कुछ नहीं बना लेती तुम यही रहोगी। सुबह से शाम हो गई, टीचर ने भी थक हार कर उसे क्लास से जाने को कह दिया। वो जाने के लिए उठी ही थी कि बॉक्स से उसका सामान गिरा, लिपस्टिक और काजल, और फिर उसने उसी से एक पेंटिंग बनाई। टीचर समझ गया, कुछ तो बात है इसमें। यहाँ घर में दोबारा वही प्रॉपर्टी डीलर आया हुआ है, लेकिन इस बार दादी ने उसे बुलाया है क्योंकि वो सोच रही है कि इस घर को बेचकर एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए, जहाँ उसकी पोती आराम से रहे। उसने घर बेचने वाले कागजात पे साइन कर दिया। अब यहाँ आर्ट टीचर ने सामने एक मूर्ति रखी और उसे बता रहा है कि एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जो परछाई पे नहीं आने वाली रोशनी पे फोकस करता है। क्लास के बाद उसका वही क्लासमेट उसे अपनी सीक्रेट जगह ले गया और एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर बजाता है। तभी उसने उसके हाथ में सेलफोन देखा। हेजी ने दोबारा अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्हीं लड़कों ने फ़ोन छीन कर उसे पैसे लाने की धमकी दी, नहीं तो उसकी दोस्त के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। यहाँ आर्ट टीचर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हेजी के अंदर के दबे टैलेंट को बाहर लेकर आए, लेकिन उसकी पेंटिंग में ठहराव, प्रेरणा की कमी है। टीचर कहता है, तुम्हारी पेंटिंग्स में अंदाज की कमी है। हेजी ने कहा, लगता है मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मुझे ये पेंटिंग नहीं सीखना। टीचर ने उसे रोककर कहा, ठीक है, पर जाते जाते ये सारी चीज़ें लेकर जाओ जो तुम्हारी दादी ने तुम्हें पेंटिंग सिखाने के लिए दी थी। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस आजमाइशों से कमज़ोर बनते हो या मजबूत। जब तुम्हारी दादी को तुम पर यकीन है तो तुम क्यों नहीं एक कोशिश करके देखती। अब यहाँ पूरे गाँव वाले वहाँ बस रहे लोगों के कुशल मंगल के लिए समुद्र की पूजा कर रहे हैं। मौका देखकर हेजी वहाँ से भागी और सीधा घर से दादी का बैंक बुक चोरी कर पैसे निकालने बाहर आई, पर बीच में ही वो रुक गई। यहाँ चोरी की कंप्लेंट की गई, पुलिस घर आई, लेकिन किसी भी तरह घर में तोड़फोड़ नहीं हुई है। हेजी पुलिस को देख डर गई। चुपके से वो बैंक बुक वापस जगह पर रख रही है कि इतने में सियोक कमरे में घुसा और हेजी को ऐसे डरा हुआ देख उसे खटका लगा। सियोक ने दादी को यह बात बतानी चाही,
लेकिन बता नहीं सका। बस इतना ही कहा, अपने बैंक बुक का पासवर्ड किसी को ना बताए और सारे आते जाते पैसों का हिसाब रखे। बाहर बैठी सुन रही हेजी घर से निकल गई और सिगरेट पीने लगी। तभी पीछे से दादी वहां आई। हेजी ने जल्दी से सिगरेट फेंक दी। दादी ने उससे एक सिगरेट मांगा और पूछा, हेजी आसमान बड़ा है या समुद्र? हेजी ने कहा, आसमान। दादी बोली, तुम सही में अब बड़ी हो गई हो। जिंदगी के बुरे समय में अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा होता है तो भी इंसान आगे बढ़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जियो। मैं हूँ ना सब ख्याल रखने के लिए। पता नहीं आखिर हेजी के मन में क्या है, लेकिन दादी की कही इन बातों ने उसे साहस दिया। पेंटिंग क्लास से वापस आते हुए उसे लाइट हाउस के पास दादी खड़ी दिखी। हेजी ने दादी से कहा, मुझे समुद्र देखना है। फिर दादी और हेजी समुद्र के सैर पे निकल पड़े। तैरती हुई मछलियाँ, अलग अलग जीव, कोरल्स, सीपी, दादी अपनी पोती का हाथ पकड़े सब दिखा रही है। हेजी के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया है। अब यहाँ हेजी ने अपनी एक ड्राइंग टीचर को दिखाई और टीचर उस ड्राइंग को देख आश्चर्यचकित है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ये हेजी ने बनाया है। उसने अपनी दादी की तस्वीर बनाई है। सियोल में एक आर्ट कॉन्टेस्ट होने वाला है और टीचर उसे पार्टिसिपेट करने को कहता है। वापस घर आते हुए हेजी को उसके स्टेप डैड रास्ते में मिल गए, जिसे देखकर वो चौंक गई। हेजी ने कहा, आपने कैसे ढूंढा? मुझे छोड़ देने के बाद दोबारा क्यों आए हैं? उसने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उस घर को बेचकर जो पैसे मिले हैं वो मुझे दे दो, नहीं तो मुझे खुद उस औरत से जाकर मांगना होगा। खबरदार अगर तुम मेरी दादी के पास भी आए। आदमी ने हंसकर कहा, तुम्हारी दादी? ठीक है, या तो तुम मुझे पैसे लाकर दो या मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक पेड़ के नीचे खामोश बैठी हेजी सोच रही है। तभी दादी उसे ढूंढते हुए वहां आई। रात काफ़ी हो गई है ना, दादी उसके लिए परेशान है। उसने दादी को अपनी बनाई ड्राइंग दिखाई। दादी को बहुत खुशी हुई। यहाँ हेजी के मन में हो रही उथल पुथल को वो कैसे शांत करे? दादी के सोने के बाद उसने वही बचपन में बनाई आधी दादी की तस्वीर उनके बालों में सुनहरा रंग भरकर पूरा कर रही है। आंखों में आंसू लिए रात भर वो नहीं सोई। शायद उसने सोच लिया है उसे क्या करना है। अब दादी हेजी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आई। आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए वो सियोल जा रही है। आर्ट टीचर उसके साथ है। दादी का दिल भारी हो रहा। वो उसे एक दिन के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहती। आखिरी बार अलविदा कहकर हेजी अंदर चली गई। उसका क्लासमेट भी भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन उससे मिल नहीं पाया। सियोल में पहले ही इंतजार कर रहा उसके स्टेप डैड को उसने दादी का बैंक बुक दे दिया और कहा, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। टाइम ओवर होने में अब बस 10 मिनट बाकी है। टीचर ने वापस आकर पेंटिंग देखी और उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। पर हेजी कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। तभी हेजी का छोड़ा नोट उसे मिला। लिखा है, मिस्टर ली, मैंने इस पेंटिंग का टाइटल कन्फेशन रखा है। थैंक यू जो भी आपने मेरे लिए किया, लेकिन ये रोशनी अभी भी मुझे चुभती है। मेरी दादी का ख्याल रखना। इधर दादी के पास सियोक आया ये बताने की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और उनका हेजी से डीएनए मैच नहीं करता। दादी ने गुस्से में रिपोर्ट फेंक दी और कहा, अगर वो मेरी पोती नहीं तो कौन है? वो क्यों मेरी पोती बनने का नाटक करेगी? सियोक बोला, मैंने उस दिन उसे आपके ड्रॉअर के पास देखा था, कुछ चुराया तो नहीं है उसने? दादी बोली, उस दिन तो तुमने भी मेरा ड्रॉअर खोला था, तो क्या तुम्हें भी मेरे पैसे चाहिए? यहाँ हेजी अपने शहर आ गई है, जहाँ उसे वही दो लड़के दिखे। जब उसने अपने दोस्त के बारे में पूछा तो वो लोग उसका बैग छीनने लगे और फिर उसे ऐसे ज़ोरों का धक्का दिया कि वो बेहोश हो गई। तभी उसकी फ्रेंड और वही क्लासमेट पुलिस के साथ वहाँ पहुँचे। दरअसल हेजी को उस दिन परेशान देख उसने उसी नंबर पर फ़ोन किया था। उसकी दोस्त ने सब बता दिया है। अब हेजी पुलिस स्टेशन में बैठी है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग जैसे बहुत सारे चार्जेस उस पर लगे हैं और गार्जियन की ज़रूरत है। तभी उसकी दादी भागते हुए वहाँ आई। वो उसका हाथ खींच रही है, उसे उठा रही है।
पर हेजी कुर्सी पे ही बैठी रही। दादी ने कहा, देखना सब कह रहे हैं कि तू मेरी पोती नहीं है, पर मुझे उनकी बातों पे भरोसा नहीं। तूने कहा था कि तू हेजी मेरी पोती है, मेरी तरफ देखकर एक बार फिर से कहना। पर हेजी उनसे आंख नहीं मिला पा रही, कैसे कह पाएगी कि मैं उनकी पोती नहीं। रोते हुए उसने बस सॉरी कहा। उस दिन कार एक्सीडेंट में हेजी की माँ के साथ हेजी भी मारी गई थी, और जो हेजी बनकर आई है उसका नाम युंजो है, यानी वो आदमी उसका स्टेप डैड नहीं बल्कि उसके खुद के डैड है, जिसने पैसों के लिए हॉस्पिटल में इंश्योरेंस की तरफ से आए एजेंट को झूठ कहा। जुए के नशे में डूबा उसने अपनी पत्नी के साथ साथ खुद की जिंदा बेटी को भी मरा बता दिया, और हेजी के हाथ का ब्रेसलेट उतार कर उसके हाथों में पहना दिया। तब से उसका नाम हेजी पड़ गया। युंजो ने अपने पे लगे आरोप पे कोई भी सफाई पेश नहीं की और उसे 1 साल की सज़ा हो गई। अब यहाँ दादी के घर वही 8 टीचर आए हेजी की पेंटिंग देने। उसने टॉप रैंक किया है। पेंटिंग में उसने दादी को बनाया है, जिसके एक तरफ हाथ पकड़े हेजी है और दूसरी तरफ युंजो, और वो उन दोनों को गहरे अंधेरे समुंदर से रोशनी की तरफ ले जा रही है। ये पेंटिंग यही दिखाती है कि उसकी दादी ने कैसे उसके अंधेरे और खो चुके मन को रोशनी से भर दिया है। 1 साल गुजर गए। अब हेजी एक बुक स्टोर में काम करती है। एक दिन सियोक उसके पास आया और बताया कि पिछले हफ्ते दादी अचानक कहीं चली गई है, मुझे लगा तुमसे मिलने आई होगी। वो अकेले केयर सेंटर में रहती थी, कितना कहा हमारे साथ रह जाए, उसने तुम्हें यह बात बताने से मना किया था। युंजो समझ गई दादी यही कहीं होगी और उसी मार्केट पहुंची। सबको उनका फोटो दिखाते पूछती जा रही है। आखिरकार दादी उसे दिखी। उनकी याददाश्त चली गई है, याद है तो बस हेजी। प्रॉपर्टी डीलर से बात कर उसी घर को उन्होंने दोबारा रेंट में ले लिया। 1 साल से वो घर खाली पड़ा है। घर को दोबारा से ठीक कर उसे सजाया गया। युंजो दादी का देखभाल करने लगी। साल गुजर गए। ऐसे ही एक सर्द रातों में बैठी युंजो रेडियो सुन रही है कि अचानक उसमें से दादी की आवाज़ आने लगी। प्यारी हेजी, मुझे पता चल गया था कि तुम मेरी पोती नहीं हो, लेकिन मैं इस सच को मानना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि जब तक जिंदा रहूं, तुम्हें कोई और नहीं अपनी ही पोती मानकर रहूं, पर मैं गलत थी। भले ही खून का रिश्ता नहीं, लेकिन तुम भी मेरी ही पोती हो और हमेशा से मेरी ही पोती थी। उस रात युंजो के आंसू नहीं थम रहे। अब दादी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट है। अपने अंतिम घड़ी में दादी ने उसे युंजो कहकर पुकारा, कहा, मेरे अब जाने का समय आ गया है, हेजी मेरा इंतज़ार करती होगी। बहुत लंबा इंतज़ार करवाया है मैंने उसे। तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना, ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पोती बनने के लिए। इतना कहकर उनके हाथ युंजो के हाथ से छूट गए। युंजो ने एक पेंटिंग बनाई जहां हेजी को अपने पीठ पे लिए दादी खेत में घूम रही है। आखिरकार दादी ने अपने हेजी को ढूंढ लिया। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।